जागरण बिजनेस एमएसएमई कॉन्क्लेव 2023 लखनऊ में मौजूद हैं और आज हमारे साथ हैं आधा चिकन की सीईओ वर्तिका पंजाबी। तो स्वागत है आपका सबसे पहले तो जागरण पर। थैंक यू सो मच जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जैसे कि क्लोथ्स हैं आप जिसका काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा वेमेंस को अट्रैक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स वेमेंस को हर नए ओकेजन के लिए एक नया कपड़ा चाहिए। सो लेकिन इस बिजनेस में भी मैंने लड़कियां बहुत कम देखी हैं, लड़के बहुत ज़्यादा होते हैं सेलिंग में भी, हर चीज़ में वहाँ पर लड़कों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें आप पहले 10 साल के मुकाबले क्या आप आने वाले टाइम में इसमें और ग्रोथ आने की उम्मीद है आपको, और कितनी ग्रोथ की उम्मीद है, कितने पार्टिसिपेशन की उम्मीद है महिलाओं से? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कपड़ों का काम ऑफकोर्स फीमेल्स आर द बिगेस्ट बायर्स, बट नाउ इफ यू आर सीइंग द एथनिक ट्रेंड्स मैन आर नॉट वेरी बिहाइंड यू नो विद ऑल दीज न्यू इंडियन एथनिक कैंपेन्स दैट आर कमिंग देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू डिमांड दैट मैन आर फीलिंग द नीड टू बाय अ सूट फॉर अ वेडिंग है ना। तो ऐसा नहीं है कि अब मैन बहुत पीछे रह गए। जहाँ की आपकी बात आई फीमेल पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस ऑफ इट, I would say, of course, there is some sort of a gender gap, but it's not very vast, I would say, because जैसे आप देखते हो कुछ ब्रांड्स में सेल्स पर्सन आपको कहीं मेल दिखें, कहीं आपको क्यूसी सेक्टर्स में फीमेल ज़्यादा मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस को आप सिर्फ उसके सेल्स मतलब रिटेल आउटलेट से जज कर सकते हो कि हाँ इनके यहाँ सब मेल हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ बिहाइंड द सीन यू नो टास्क एंड प्रोसेस जिनमें फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत रहती है, स्पेशली क्यूसी सुपरवाइजिंग मैनेजरियल रोल्स। ऐसा नहीं है, बट ऑफकोर्स थोड़ा जहाँ सोसाइटी वाला प्रेशर आता है वहाँ पे वी हैव सीन फीमेल्स हु हेजिटेट टू यू नो इवन वर्क विद अस कि भाई मैं 8 बजे तक नहीं रात को रुक सकती है ना, वर्किंग आवर्स की लिमिटेशन है, मेरे घर में अलाउड नहीं है कि मैं इतने ज़्यादा दिन हफ्ते के आऊँ काम पर, मैं कुछ दिन आ सकती हूँ कुछ दिन नहीं आ सकती हूँ। दीज आर टास्क दीज आर प्रॉब्लम्स दैट आई थिंक वी विल ओनली बी एबल टू सॉर्ट ऑफ गेट रिड ऑफ विद अ जनरेशनल चेंज, जैसे कि हमने अपने पैनल में भी आज डिस्कस किया। There is a mindset change that is required, and that is something that is a long, long, long way ahead. शुरुआत हो चुकी है, कुछ families ने adopt करा है, कुछ communities ने इन new thought processes को adopt किया है, but थोड़ा और अभी रास्ता लंबा है। बट हो जरूर जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल इसी पॉजिटिव सोच के साथ ही तो आगे बढ़ना है, तभी तो होगा। तो मैं सिर्फ आपके बिजनेस की बात करूं अगर, तो आप अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के आपके क्या प्लान्स हैं अगले 5 सालों में? जी, हमने सबसे पहले अपना रिटेल आउटलेट शुरू किया था विद अ फ्लैगशिप स्टोर इन हज़रतगंज हाई स्ट्रीट इन लखनऊ, एंड इन द फर्स्ट 10 ईयर्स वी ऑलरेडी हैड टेकन अ लीप टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। दिस इज़ ऑल द वे बैक इन 2008 जब .com बूम नहीं हुआ था, एंड नॉट एवरी अदर बिजनेस ऑन द स्ट्रीट हैड अ वेबसाइट ऑलरेडी, दिस इज़ ऑल द वे बैक देन। वी स्टार्टेड द वेबसाइट विद द विजन ऑफ डिलीवरिंग वर्ल्ड वाइड कि भाई एक लखनऊ की कला, लखनऊ के लोग पूरी दुनिया में हैं, कोई शादी करके गया, कोई काम के लिए रिलोकेट हो गया, किसी के कुछ एक्सटेंडेड फैमिली कहीं चली गई, तो लखनऊ के लोग हर जगह हैं, चिकन सबको मालूम है, बट पहुंच पाना टू यू नो यू टू हैव द डिमांड बट नॉट बी एबल टू सप्लाई इज अ वेरी बिग शॉर्ट कमिंग इन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स एसेंशियली, एंड दैट वॉज आवर विजन बैक इन 2008। हमने कहा हम लखनऊ का चिकन पूरी दुनिया में पहुँचाएंगे, एंड टू स्पीक अबाउट नाउ जम्पिंग टू 2023 वी आर ऑलरेडी सेलिंग ऑन ऑल मेजर फैशन मार्केट प्लेसेज, बी एट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, लाइम रोड, वी हैव आवर ओन वेबसाइट, वी हैव ओवर 10,000 यूनिक डिज़ाइंस गेटिंग अपलोडेड मंथली। सो यू नो टू हैव दैट काइंड ऑफ अ लार्ज कलेक्शन अवेलेबल फॉर एब्सोल्युटली एवरीबडी टू कम एंड एक्सप्लोर, I think that has been our biggest achievement, and expansion plans to hain. We are looking at expanding to metro cities now, taking Lucknow chicken to Delhi, to Bombay, and hopefully soon even further. Let's see. To Delhi kab aa rahe hain aap? Hopefully isi saal, agle saal, dekhte hain, aapko batate hain. Ji, bilkul batayega. Aur iske saath hi aap mujhe ease of doing business bataye ki ease of doing business se aapko business mein kya kya change dikhe hain aur usme kya kya growth nazar aayi hai? Definitely, this was one signal that the problem has been understood and is being responded with, right? तो इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। थोड़ा थोड़ा चेंज आई थिंक लोगों ने भी एक्सेप्ट करना शुरू किया है, बट आई थिंक
again something only time can tell how effective it has been, how many people are adopting it. There is a big concern of people understanding ki unko offer kya kiya ja raha hai. Aap kuch launch kar do jab tak samne wale ko samajh nahi aaye ki isko istemal kaise karna hai. There is not much utilization of that available resource. So I think the first thing we need to start with is awareness for anything and take it forward from there. ओके okay, और आप SME और MSME की ग्रोथ को टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज़ में कैसे देखते हैं? इट इज़ मैग्निफिसेंट, इट हैज़ ग्रेट पोटेंशियल. वी आर ऑलरेडी, अगर आप देखें कि यूपी एंड वेस्ट बंगाल आर द टॉप क्लस्टर्स ऑफ MSMEs इन द होल ऑफ इंडिया एंड दैट सेज़ अ लॉट अबाउट उत्तर प्रदेश यू नो गोइंग फॉरवर्ड इन बिजनेस. एंड ऑफकोर्स दिस इज़ अ वेरी कंड्यूसिव अपॉर्चुनिटी. MSME शुरू करना काफ़ी आसान काम है. थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा सा फंडिंग, थोड़ा सा आइडिया एंड आप शुरू कर सकते हो. देन ऑल यू नीड इज अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड सपोर्ट टू टेक इट फॉरवर्ड, विच इज़ वेयर यू नीड इकोसिस्टम्स, विच इज़ वेयर यू नीड कम्युनिटीज, यू नीड द गवर्नमेंट टू हेल्प यू, यू नीड योर नॉन प्रॉफिट्स टू हेल्प यू, यू नीड कंज्यूमर्स टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, यू नो. सो द फर्स्ट स्टेप इज द इजी स्टेप. उसके आगे जब तक सपोर्टिव, बिल्कुल, एंड जब तक एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहेगा ये चीज़ें थ्राइव करेंगी. जहाँ सपोर्ट आप विड्रॉ करते हुए देखोगे दीज थिंग्स टेंड टू कोलैप्स मच इजियर. तो मैम, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो सरकार की जो पहल है उससे छोटे कारोबारियों को कितना फ़ायदा मिला है? मैं कहूँगी बहुत फ़ायदा हुआ है. हमारा ब्रांड भी GI रजिस्टर्ड है. हम लखनऊ चिकन क्राफ्ट प्रोडक्ट में डील करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मार्केट करते हैं. इस इनिशिएटिव से जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है वो हुआ है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना. जो जो बहुत जगह आपने देखा होगा, आप भी मार्केट्स में घूमते हो, हकोबा के कपड़े को, मशीन की एम्ब्रॉयडरी को, प्रिंट को, लोग कहेंगे ये चिकन का हम पूरा थान बेच रहे हैं, इतने में बेच रहे हैं, उतने में बेच रहे हैं. आप लखनऊ से लेंगे आपको महंगा पड़ेगा, लखनऊ से मिलेगा महंगा पड़ेगा, आप यहाँ से ले लीजिए. सो दैट इज़ यू नो द फैक्ट दैट यू नीड टू मेक योर कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ व्हाट दे आर बाइंग इज क्रूशियल. क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, दीज आर थिंग्स दैट यू नो आर नाउ बीइंग टेकन वेरी सीरियसली. एंड GI ने, ODOP ने यही किया है. इन्होंने जो एक्चुअल ऑथेंटिक सेलर्स हैं उनको एक पिलर ऑफ सपोर्ट दिया है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं. और मैम, एक आखिरी सवाल ये कि डिजिटल रिवॉल्यूशन से आपको बिजनेस में कितने बदलाव और कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? बदलाव अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं. बदलाव ये ज़रूर आया है दैट जितना आप इमेजिन करते थे रिटेल सेल्स में, जैसे कोविड के बाद हमने देखा उतना ही लोग घर बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर कर रहे हैं. आज भी इतने ऑनलाइन ऑर्डर्स आपको, आप खुद घर में सुबह से शाम में 4 ऑर्डर प्लेस कर देते हैं. एंड दिस कैन बी फॉर एनीथिंग, वेदर इट इज़ ग्रोसरीज, योर क्लोथिंग, पीपल आर बाइंग ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी ऑनलाइन. यू नो देयर इज़ नो एंड टू ऑनलाइन शॉपिंग टुडे. आप जो चाहो आपको मिल जाएगा आपके घर में. So of course there has been a lot of benefit from this because there are sellers who were initially not able to reach far off locations. पर अब जब आपको मौका मिल रहा है कि उनके फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाओ, उनको पार्सल भेज के उनके घर पहुँचा दो, इट्स गिविंग मी एंड आई एम श्योर एवरी अदर बिजनेस अ होल न्यू डायमेंशन ऑफ कस्टमर बेस. एंड चैलेंजेस भी इसके यही हैं कि जब इतना लंबा, इतना बड़ा टारगेट बेस है, आपको अपना कस्टमर ढूंढना पड़ता है. और दूसरी चीज़ ये कि वैन देर आर सो मैनी सेलर्स अवेलेबल, एज अ कस्टमर आपको लगता है पता नहीं वेबसाइट सही है कि नहीं, क्या मुझे नकली जूता भेज देगी, है ना, फ़ोन की जगह पत्थर आ जाएगा. सो देयर इज ऑल्सो, जितना लोगों ने इसको खुशी से अडेप्ट किया है उतना ही उनके मन में हेजिटेशन भी है कि भाई ये ब्रांड वेल नोन है, मैं इससे खरीदूँ, ये पता नहीं कि कभी मैंने पहले सुना नहीं, इनसे मैं ना खरीदूँ, क्या मालूम मेरा पैसा लेके बैठ जाए. सो देयर इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग एंड सो इज द केस विद डिजिटलाइजेशन ऑफ बिजनेसेस. जी, तो मैम आप हमारी जागृत बदलाव की पहल को कैसे देखती हैं? आई सी दिस एज अ न्यू फोर्स दैट इज रियली, इट वाज समथिंग दैट वी रियली नीडेड. एंड दिस इंटायर एडिशन ऑफ पैनल्स दैट यू गाइस आर डूइंग अक्रॉस सिटीज इज आई थिंक अ ग्रेट इनिशिएटिव. एंड देयर सो मच दैट यू गेट टू लर्न व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद पीपल. दिस अ ग्रेट प्लेस टू नेटवर्क, अ ग्रेट प्लेस टू आस्क क्वेश्चंस. कोई ना कोई जवाब लेकर आएगा. आपके सवालों के जवाबों के लिए ही हमने ये पहल शुरू की. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your time.